अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे जी फूड क्लब के किचन में साग, सरसों का साग। चैनल पर नए हैं तो इसको जाके सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इसके लिए साग मैंने लिया है, ये गंदलों का साग है, सरसों का साग है, 3 किलो लिया है। पालक है जी मेरे पास 1.5 किलो। ये बाथू है मेरे पास, बाथू मैंने लिया है 1 गट्ठी। तो सबसे पहले हम इनकी सफाई करके कटिंग करते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। ये सब चीज़ों की कटिंग करके मैंने रेडी कर ली है। ये देखें माशाल्लाह से ये मैंने साग की कटिंग की है, बड़ी बारीक की है। इसके साथ ही मेरे पास पालक है और ये छोटे बाउल में है मेरे पास बाथू, इसकी भी मैंने पत्ते उतार के तो कटिंग कर ली है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे टब में डाल के। तो धो के तो फिर इसका अगला प्रोसीजर करते हैं। मैंने ये खुले बर्तन मुँह वाली पतीली ले ली है, इसमें 2 लीटर मैंने पानी डाल के रख दिया है। जब ये पकेगा तो तब हम इसमें अपना धुला हुआ साग डालेंगे। पानी हमारा जी पकने के करीब है और अच्छा खासा गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें जो अब धुला हुआ साग है वो इसके अंदर डाल दूंगी। अब हम इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला देते हैं। ये मैंने ले लिया लकड़ी का चम्मच और इससे इसको अब मिक्स कर देंगे। अब मैं इसको तब तक बॉईल करूंगी जब तक ये हाफ कुक ना हो जाए, तो फिर मैं इसमें पालक और बाथू डालूंगी। देखें जी साग हमारा माशाल्लाह से पक रहा है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पालक। पालक को भी मैंने 2-3 दफ़ा पानी में से निकाल लिया था क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, तो फिर उससे जो है आपके टेस्ट में फ़र्क आ सकता है। अब इसको जो है लकड़ी के चम्मच से हम मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी बाथू, तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हम इसकी मिर्चों वाला मसाला तैयार करते हैं जब तक ये पक रहा है। ये मैंने 1/2 पाव मिर्चें ली थी, इनकी मैंने डंडियाँ उतार ली हैं। ये 1 फूल लहसुन का लेके मैंने उसके ये जवे जो हैं कलियाँ अलग अलग कर ली हैं छील के, और एक ही मीडियम साइज़ का प्याज मैंने कटिंग कर लिया है। अब मिर्चों को, लहसुन को और प्याज को हम इकट्ठा पीस लेते हैं ग्राइंडर के जग में और फिर मिलते हैं जी। तो ये देखें माशाल्लाह से पक रहा है। अब इसके अंदर जो मैंने ये पेस्ट बनाई है अभी आपको बताई थी प्याज की, लहसुन की और हरी सब्ज मिर्चों की, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ ही अब इसमें मैं नमक डाल दूंगी 2 टेबलस्पून, बाकी आप लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दीजिएगा। तो इतना ही हमारा काम था। अब हमने इसको पकने देना है जी जब तक ये साग जो है गल ना जाए और पानी इसका खुश्क ना हो जाए जी। तो देखें ये माशाल्लाह से हमारे साग में पानी अब ये इतना सा रह गया है, तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि पानी और थोड़ा ड्राई हो जाए। साग गल चुका है हमारा, तो तब तक हम इसका जो है घोल तैयार कर लेते हैं। कुछ लोग तो वैसे ही आटे को डायरेक्ट डाल देते हैं इसमें, लेकिन मैं जो है इसको पानी में थोड़ा मिक्स करके डालूँगी क्योंकि अगर वैसे डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। ये मैंने ले लिया जी 1 कप जो गंदम का आटा होता है, कुछ लोग इसमें मकई का आटा भी डालते हैं। मकई का आटा तो वेल एंड गुड है, और इसके अलावा कई लोग जो है इसमें बेसन भी डाल लेते हैं, तो मैंने तो ये गंदम का आटा लिया है। आम जो चक्की का आटा होता है, तो 1 कप आटा लिया है। इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेती हूँ। ये देखें जी इसको मैंने ये रेडी कर लिया है, कोई इसमें लम्स नहीं है। तो अब थोड़ा सा जैसे पानी उसका साग का खुश्क होगा तो हम इसको उसमें डाल देंगे और फिर घोटा लगाएंगे जी। तो पानी बहुत कम रह गया है इसके अंदर, अब हम इसमें अपने आटे वाला घोल शामिल करेंगे क्योंकि पानी को बिल्कुल ड्राई करेंगे तो फिर ये बहुत हार्ड हो जाएगा। तो अब मैं ये जो मैंने आटे का घोल बना के आपके सामने रखा था इसको डालती हूँ। ये देखें साथ ही जो है इसकी घुटाई शुरू हो गई है।
और ऐसा हमें चूल्हे के ऊपर ही करना होता है ताकि आटा जो है इसके अंदर अच्छी तरह से पक जाए। और साथ ही ये छींटे भी मारना शुरू कर देगा। देखें जी माशाल्लाह से कितना जो है अच्छा हमारा साग घुट के तैयार हुआ है। तो अब हमने इसको लगाना है जी तड़का, तो तड़का लगाते हैं और आपको बताते हैं। अब चलते हैं जी तड़का लगाने की तरफ। और तड़का लगाने के लिए मैंने प्याज एक मीडियम लेके उसको स्लाइस करके ऑयल में डाल के तो फ्राई पैन में रख दी है। आँच मैंने चला दी है इसके नीचे। तो मैं लगाऊंगी जी प्याज का और अदरक का तड़का, तो इसको फ्राई करते हैं और फिर देखते हैं। प्याज देखें जी हो चुका है हमारा ब्राउन, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये अदरक है मेरे पास, इसको डाल के 5 सेकंड के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी साग। देखें जी साग मैंने इसमें डाल दिया है। ये तड़के के दौरान अगर आपको लगे कि नमक मिर्च साग में कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से तड़के के अंदर पका लेंगे, गरम कर लेंगे और फिर इसको गर्मा गर्म जो है प्लेट में डाल के मक्खन के साथ आपको पेश करके दिखाते हैं जी। तो अब इसके साथ अब हम इसमें मक्खन को डाल के साग को सर्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी साग की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे